तो क्या करते हैं कि दोनों को जैसे अलग अलग बैठा जाता है तो अपने अपने रूम में जाके एक पढ़ता रहता है, एक सो जाता है। अब क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ बैठा देते हैं, तो कुछ दिन तक तो जो नहीं पढ़ाई करता था वो नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो पढ़ने वाला है उसके देख देख कर वो जो नहीं पढ़ाई करता वो भी पढ़ाई करने लगता है। इसको क्या देते हैं, प्रेरित। वो तो कहने का मतलब जो काम नहीं कर रहा था बंदा वो भी बंदा काम करने लगे दूसरे को देख के। तो पहले वाले बंदे ने उसके लिए एक प्रेरणा का वर्क किया, इंड्यूस्ड का वर्क किया। तो इस कुछ ऐसा ही कुछ हमारी रिएक्शन में भी होता है कि हम सेम कंडीशन में एक रिएक्शन को पाते हैं कि वो हो जाती है और हमको क्रियाफल दे देती है, लेकिन उन्हीं कंडीशंस में दूसरा जो पदार्थ ले रखा है वो रिएक्शन नहीं देता है। और अगर हम दोनों को एक साथ मिला के करा देते हैं तो जो नहीं रिएक्ट करता था वो भी रिएक्ट हो जाता है। तो ऐसी ही फिनोमिना, ऐसी ही घटना को उल्टा बोलते रहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो इसके लिए लैंग्वेज छोटी है, समझाना ज्यादा होता है लैंग्वेज छोटी है। कितनी छोटी लैंग्वेज आप विश्वास नहीं कर सकते कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है और यह क्रिया प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, इसको पॉज कर करके आप धीमे धीमे लिखना करके। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल में लैंग्वेज लंबी है, लिखो। लिखिए, सोडियम सल्फाइट वायु द्वारा आक्सीकृत हो जाता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइट वायु द्वारा आक्सीकृत नहीं होता है। किंतु यदि दोनों के आक्सीकरण की क्रिया किंतु यदि दोनों के आक्सीकरण की क्रिया एक साथ कराई जाए तो सोडियम आर्सेनाइट भी आक्सीकृत हो जाता है। अब इस रिएक्शन को कैसे हम लोग नोट करेंगे, देखो ये होता है एक पदार्थ कह सकते हैं, एक साल्ट कह सकते हैं, हिंदी में कहें तो एक लवण कह सकते हो। ये सोडियम सल्फाइट है, बैलेंस के लिए बेटा टू लिया। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन द्वारा ये सोडियम सल्फाइट चेंज हो जाएगा सोडियम सल्फेट में। ये रहा सोडियम सल्फेट एन2SO4। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक टाइप का सबस्टेंस, लवण पदार्थ जैसे आप समझ सको, वो होता है Na3AsO3। इसको बोल देते हैं हम लोग सोडियम आर्सेनाइट। तो इसको भी हमने इसी कंडीशन में एयर में रखाया, सनलाइट की प्रेजेंस थी, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति थी। क्योंकि हम इंग्लिश वर्डिंग ज्यादा रहती है, आप पता नहीं उस सर कैसे क्या हिंदी आपको कितनी क्या समझ में आ रही है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं हिंदी की 100% बोले। तो अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइज कराया गया तो इसने पाया कि कोई अभिक्रिया नहीं हुई। अंग्रेजी में इसको कह देते बेटा नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई। अभी तो एग्जाम्पल दिए थे ना, ये घर में दो बच्चे होते हैं, एक पढ़ रहा है एक नहीं पढ़ रहा। ये दो बच्चे मान लो, ये तो पढ़ रहा है ये नहीं पढ़ रहा, दोनों अलग अलग रूम में, ये सो जाता है और ये पढ़ता रहता है। फिर पेरेंट्स ने क्या किया कि इनको एक साथ रिएक्ट कराया। देखो ये Na2SO3 लिखने का तरीका देखो, इस तरीके से लिखना, ये सोडियम आर्सेनाइट Na3SO3 और ये रहा ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन ने क्या पाया कि जो हमारा ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, ये वाला ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, ये ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो ये तो बदला ही Na2SO4 सोडियम सल्फेट में, और जो भाई साहब पढ़ाई नहीं कर रहे थे मतलब रिएक्ट नहीं कर रहे थे वो भी बदल गए, ये सोडियम आर्सेनेट, ये सोडियम सल्फाइट, ये सोडियम सल्फाइट, ये सोडियम आर्सेनेट। इसका नाम करोगे सोडियम सल्फेट, सोडियम आर्सेनेट।